गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन. सो क्लास, दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड एंड टुडे वील स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. वी वर डूइंग आर चैप्टर नंबर 6 डेसिमल्स. सो वी हैव डन टिल मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स. टुडे वी लर्न हाउ टू डिवाइड डेसिमल्स. ओके, सो आर टुडेज टॉपिक इज डिविजन ऑफ डेसिमल्स by 10, 100 and thousands. Okay, now suppose this is a number 15.24. this is a number and we have to divide it by 10, 100 and thousand. So firstly we'll divide it by 10. So 15.24 divided by 10 is equal to, now see, to divide a number by 10, move the decimal point one place to the left. किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने के लिए जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको कहाँ मूव करना होता है? वन प्लेस लेफ्ट में. वन प्लेस लेफ्ट मतलब अभी ये डेसिमल 5 के राइट साइड में है तो इसको 5 के लेफ्ट साइड में कर देंगे. सो 1.524 डेसिमल को वन प्लेस लेफ्ट में कर देंगे. 10 से डिवाइड करते टाइम वन प्लेस लेफ्ट में. नाउ वील डिवाइड इट 15.24 बाय 100. नाउ टू डिवाइड अ नंबर बाय 100 वील मूव द डेसिमल पॉइंट टू प्लेसेस टू द लेफ्ट. 10 से डिवाइड करते टाइम ओनली वन प्लेस लेफ्ट में किया था क्योंकि 10 में कितने जीरोज होते हैं? ओनली वन. नाउ 100 से डिवाइड करते टाइम पॉइंट को, डेसिमल को कितने प्लेसेस लेफ्ट में करेंगे? टू, क्योंकि 100 में कितने जीरोज होते हैं? टू. तो डेसिमल पॉइंट यहाँ की बजाय कहाँ पे आ जाएगा? 1, 2. तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे. सो 0.1524. ओके, नाउ वील डिवाइडेड बाय 1000. सो 15.24 डिवाइडेड बाय 1000. अब 10 से डिवाइड करते टाइम हमने डेसिमल पॉइंट को वन प्लेस लेफ्ट में किया था. 100 से डिवाइड करते टाइम टू प्लेस लेफ्ट में किया था क्योंकि 100 में टू जीरोज होते हैं. नाउ 1000 से करते टाइम हम डेसिमल पॉइंट्स को कितनी प्लेस लेफ्ट में मूव करेंगे? थ्री, क्योंकि 1000 में कितने जीरोज होते हैं? थ्री. सो कहाँ पे आ जाएगा पॉइंट? 1, 2, 3. सो यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा? एक जीरो. सो 0.01524. देखिए पहले पॉइंट था यहाँ पे 15.24, अब हमने इसको कितने प्लेसेस मूव कर दिया? थ्री प्लेसेस. सो 1, 2, 3, थ्री प्लेसेस के बाद लेफ्ट में हमने क्या पुट कर दिया? एक डेसिमल. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट नंबर 28.4. दिस इज अ नंबर 28.43. नाउ फर्स्टली वील डिवाइडेड बाय 10. सो 28.43 डिवाइडेड बाय 10. अब 10 से डिवाइड करने के लिए कितने प्लेसेस लेफ्ट में मूव करेंगे हम? ओनली वन. सो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? 8 के लेफ्ट साइड में. सो 2.843. नाउ 28.43 डिवाइडेड बाय 100. अब 10 से करने के लिए हमने कितने प्लेसेस में किया था? लेफ्ट में कितनी प्लेस में मूव किया था? ओनली वन प्लेस में. अब 100 के लिए हम पॉइंट डेसिमल को कितनी प्लेसेस में मूव करेंगे? टू, क्योंकि 100 में टू जीरोज होते हैं. तो लेफ्ट में टू काउंट करिए, 1, 2. सो अब पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? टू से पहले, 0.2843. नाउ सी 28.43 डिवाइडेड बाय 1000. अब 1000 से करने के लिए डेसिमल को हम कितने प्लेसेस मूव करेंगे लेफ्ट में? थ्री. वेरी गुड, क्योंकि 1000 में थ्री जीरोज होते हैं. सो डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा? 1, 2, 3. तो यहाँ पे हमें एक और नंबर लिखना पड़ेगा विच इज़ 0. सो 0.02843. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट नंबर
सपोज अ नंबर इज टू. ओके, नंबर इज टू, सो फर्स्टली वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10. वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10. सो डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा? अब इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो अब हम कैसे करेंगे? मेकर ऑफ कॉलम, आई विल एक्सप्लेन यू. सी, 2 डिवाइडेड बाय 10 को हम कैसे लिखेंगे? 2 अपॉन 10, राइट? 2 डिवाइडेड बाय 10. अब नीचे 1 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं. सो 0 नीचे 0 एक ही है, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे. तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.2. नाउ पार्ट बी, 2 डिवाइडेड बाय 100. अगेन 2 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 2 अपॉन 100. नीचे 2 जीरोज है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए? 2 डिजिट्स. सो 0.02. नाउ पार्ट सी इज 2 डिवाइडेड बाय 1000, राइट? 2 डिवाइडेड बाय 1000. सो 2 अपॉन 1000. 2 डिवाइडेड बाय 1000 का मतलब हुआ 2 अपॉन 1000. नाउ नीचे 3 जीरोज है डिनोमिनेटर में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए? 3 डिजिट्स. सो 0.002, 3 डिजिट्स आ गई, 1, 2, 3. सो 0.002. सो डिविजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 and 1000, ये आज का हमारा टॉपिक था. किसी भी नंबर को 10, किसी भी डेसिमल वाले नंबर को 10 से डिवाइड करने के लिए डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट में मूव करना है, 100 से करने के लिए 2 प्लेसेस लेफ्ट में मूव करना है, एंड थाउजेंड्स के लिए मूव द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट, क्योंकि 1000 में 3 जीरोज होते हैं, 100 में 2 जीरोज होते हैं और 10 में 1 जीरो होता है. इसलिए हम 10 के टाइम में 1 प्लेस मूव करते हैं, 100 के टाइम में 2 प्लेसेस मूव करते हैं और 1000 के टाइम में 3 प्लेसेस मूव करते हैं टू द लेफ्ट. ऑल राइट, नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6H इन योर मैथ्स बुक. डोंट डू इट इन योर नोटबुक. यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6H विच इज ऑन पेज नंबर 91 इन योर मैथ्स बुक. ओके क्लास 5th. So that's all for today. Thank you so much. Take care. Bye-bye.